हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक अनादर प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूं, जो कि है डॉक्टर सेठ का अश्वगंधा एंड अल्फा आर्बुटिन सीरम। लुक एट दैट। कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, जैसे सारे सीरम के आते हैं कार्डबोर्ड पैकेजिंग में, वैसे ही है सेम। और 30 ml प्रोडक्ट आपको मिलता है 549 में, बट आप इसको डिस्काउंटेड रेट पे बाय कर सकते हो जब अच्छी सेल चल रही हो। अब मैंने इसको नाइका से परचेज़ किया है, तो आप इसे नाइका से बाय कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इसके मेन इन्ग्रीडियंट्स की। तो इसका जो मेन इन्ग्रीडियंट्स है वो है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा से आपकी जो स्किन होती है वो काम होती है, जो मतलब सन से या रैसेस से आपकी स्किन जो इरीटेट हो चुकी होती है, तो ये उसको काम करता है। फिर नेक्स्ट इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है 2% अल्फ़ा आर्बुटिन। तो आर्बुटिन में आपको पता है कि आपकी स्किन ब्राइट होती है, इसमें ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट होती है, और जो डिसकलरेशन आपकी जो स्किन हो चुकी होती है ये उसको ठीक करता है। फिर इसमें है 2% नैनो वाइट, इससे भी आपकी स्किन जो होती है ब्राइट होती है। फिर इसमें तुलसी एट्रैक्ट एंड ब्यूटिल रेसोकिनोल, तो ओवरऑल इससे आपकी पिगमेंटेशन दूर होती है, क्योंकि इसमें कोजिक एसिड भी है, तो आपकी जो स्किन होती है इससे आपके पिगमेंटेशन, स्पॉट एंड जो डिसकलरेशन हो चुकी होती है या स्किन आपकी इवन टोन हो चुकी है, टैन आ चुकी है, ये उसको ठीक करते हैं, ये क्लेम कर रहे हैं। इससे पीएच बैलेंस आपका जो मेंटेन होता है, एंड ये ऑल स्किन टाइप है। तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं कैसी शीशी में आता है। ये ग्लास जार है इसका, जैसे सारे सीरम आते हैं वैसे ही है, एंड नॉर्मल है। लुक एट दैट, बिल्कुल वाटर टाइप में है। थोड़ी देर बाद स्किन में आप इसको ऐसे ऐसे करके आपको पैड ड्राई करके लगाना है, रगड़ना नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ लगा कर कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि ये सच में इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये सच में इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये क्लेम कर रहे हैं पीएच बैलेंस इससे मेंटेन होता है, तो आपका जैसा कलर है वैसा ही रहता है। ऑल स्किन टाइप है, तो यस ये ऑल स्किन टाइप है, मींस बिल्कुल स्किन में विद इन सेकेंड ये स्किन के अंदर चला गया, कोई चिपचिप नहीं है। ड्राई स्किन वाले भी आप इसे लगा सकते हो, अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई लग रही है तो आप इसमें मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर सकते हो। देन चलिए बात कर लेते हैं कि इतने सारे जो इंग्रेडिएंट पड़े हैं सच में इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, इससे आपकी टैन तक रिमूव नहीं होती है, मींस आप फर्स्ट डे इसको लगाते हो कोई असर नहीं। मैंने इतना ऑलमोस्ट इसको इतना फिनिश कर लिया है, एंड इससे मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है। तो डॉक्टर सेठ के प्रोडक्ट में पता नहीं क्या है कि जिनकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन होती है तो और एक्ने आना चालू हो जाते हैं, तो इसका सेम यही है। जो मैं इससे अगर कंपैरिजन करूं कोजिक एसिड वाली जो क्रीम मैंने इसका रिव्यू किया हुआ है, अगर क्रीम की बात करूँ तो इससे लाख गुना वो फिर भी ठीक है रिजल्ट उस, क्योंकि उससे आपकी टैन चली जाती है, लिटिल बिट टैन उससे रिमूव हो जाती है, बट इससे कुछ भी नहीं होता है। मींस इससे अच्छे अल्फ़ा आर्बुटिन आप और भी कंपनी में ले सकते हो, बट डॉक्टर सेठ का ये अल्फ़ा आर्बुटिन बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है। इवन मेरी इससे टैन भी जो हल्की फुल्की यहाँ पे आ जाती है वो तक रिमूव नहीं हुई है इससे। तो मैं इसको तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, इतने अच्छे इन्ग्रीडियंट होने के बावजूद ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है। और इससे स्किन जो क्या होता है, आप इसको लगाओगे, ऑयल है, ऑयल स्किन टाइप है तो सूट तो कर जाती है, बट अगर आप ऑयली भी हो इसको लगाते हो तो आपकी स्किन अजीब सी रैसेस टाइप की लगने लग जाती है, ड्राई लगने लग जाती है, कोई ग्लो नहीं आता है, मींस इससे कुछ भी आपको इफ़ेक्ट नहीं पता चलता है। तो इसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। अब मेरे पास कमेंट आएंगे कि मैम बहुत अच्छा है तब भी है, तो मे भी हो सकता है आपको सूट कर गया हो, बट मैं आपको सच बता रही हूँ ये अल्फ़ा आर्बुटिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इसकी और कंपनी की अल्फ़ा आर्बुटिन फिर भी अच्छी हैं, और अगर आपको जानना है कौन सा नेक्स्ट अल्फ़ा आर्बुटिन सीरम इससे जो अच्छा है थोड़ा बहुत, तो मैं आप मुझे कमेंट करिएगा। आई होप वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। बाय बाय।